और मेरा है ना ये स्क्रीन देखकर मुझे दो तीन दोस्तों ने बताया कि आप सॉल्ट एंड रिंसैड भर लो मुझे आइडिया नहीं था थैंक यू सो मच मैंने अभी देखा कि हाँ यहाँ ब्लिंक हो रहा है तो सॉल्ट मेरे पास नहीं है सॉल्ट मैं ऑर्डर कर लूँगी बट रिंसेड है तो रिंसेड में फिल कर दे रही हूँ एंड कितने अच्छी तरह से आप लोग ऑब्जर्व करते हो कितनी हेल्प हो जाती है कभी कभी तो लाइक आई एम रियली रियली थैंकफुल मेरा मैंने देखा तो था वो ब्लिंक हो रहा बट पता नहीं क्यों ध्यान नहीं गया शायद मैं जल्दबाजी में करती हूँ बाय द वे सानवी इज़ हेल्पिंग मी उसने ये लोड भी किया है तो आ, ये मेरे पास रखा हुआ है ये भर दूँगी मैं इसके अंदर ये बाय द वे विम का है अच्छा है ये थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी है परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है सॉल्ट है नहीं मेरे पास तो मैं आज ऑर्डर कर दूँगी तो एक दो दिन में आ जाएगा फिर वो भी रिकल कर दूँगी गैन थैंक यू सो मच मुझे आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड लुक्स लाइक के रिंग सेट भी इसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा शायद ये लास्ट ये तो अच्छा हुआ ये डाल दिया मैं फिर दोनों ही साथ में ऑर्डर कर दूँगी ये आइडियली पूरा भर जाना चाहिए पर शायद हमारे पास उतना है नहीं तो जब ये आ जाएगा तब मैं भर के डाल दूँगी वैसे दिख तो रहा है थोड़ा सा ही कम है बस नहीं बचा बेटा उसमें नहीं फाइन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहतमंद होंगे खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे हम भी मज़े में ही हैं और मैंने आपको हाय हेलो नहीं किया था ब्लॉग सीधे शुरू हो गया था तो आई थॉट आपको हेलो बोल देती हूँ और यहाँ पर है ना मेरा मलाई थोड़ा इकट्ठा हो गया था तो मैं सोच रही हूँ इसका घी बना लूँ तो मैं है ना आपको दिखा रही हूँ कि बिना गैजेट के भी फटाफट से हाथ से घी बन जाता है ये जो ट्रिक है ये मेरी मासी सास ने शेयर की थी जब पहले मेरे पास हैंड ब्लेंडर भी नहीं था फूड प्रोसेसर नहीं था स्टैंड मिक्सर नहीं था मतलब कोई गैजेट नहीं था ना तब मैं ऐसे हाथ से ही घी बनाती थी तब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इकट्ठी हो जाती थी तो उसका मैं घी बना लेती थी और मुझे बहुत अच्छी आदत पड़ गई थी बहुत ही एफिशिएंटली एंड कम समय में मैं घी बना लेती थी ये है ना फेटते फेटते मलाई इतनी गाढ़ी हो जाती है जैसे मैं आपको बोल पलटकी भी दिखा रही थी कि ये गिरती नहीं है उसके बाद इसमें है ना चम्मच चलाना मुश्किल हो जाता है तो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है तो हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं प्रेशर देकर इकट्ठा कर रही हूँ और देखते ही देखते घी जो है तैयार हो जाता है गर्मियों में घी बना रहे हैं तो थोड़े ठंडे पानी की जरूरत आपको लगेगी सर्दियों में तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती बट अगर आपको लग रहा है कि ये गाढ़ा हो रहा है तो आप रूम टेम्परेचर पानी जो टैप में आता है वो आप ऐड कर सकते हो ये देखो घी हो गया है रेडी अब मैं अब इसको पका लूँगी एंड ये जो कढ़ाई है आप देख रहे हो ये इंडस वाली की कढ़ाई है ये थ्री लीटर है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर है शायद इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा बहुत अच्छी वाली कढ़ाई है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस स्टेनलेस स्टील का कढ़ाई तो ये एक गुड ऑप्शन है आज मैं प्लान कर रही थी थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल का मील प्रेप करने के लिए मील बनाने के लिए मतलब तो इसके लिए इडली के लिए मैं इंस्टेंट इडली बना रही हूँ तो मैंने एक कप ले लिया है इसके अंदर सूजी ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक और आधा कप ले लिया है दही अब जो आ, सूजी है वो मार्केट में है ना इडली रवा के नाम से भी सूजी आती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो वो आपको नहीं मिलती तो आप जो फ़ाइन वाली सूजी रहती है रवा जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो उससे भी अच्छी बनती है बट मैंने तो नॉर्मल सूजी यूज़ करी है उससे भी अच्छी इडलियाँ बन जाती हैं तो किसी भी तरह की सूजी से अच्छी इडली बन जाएगी आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट चाहिए तो उस केस में आप जो मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई उस तरह से आप आइटम्स इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी मिला करके इसको मिक्स कर लें और फिर इसको रेस्ट करने रख दें आधे घंटे के लिए मैं एक स्वीट आइटम भी बनाऊंगी तो इसके लिए मुझे चाहिए गुड़ तो गुड़ मैंने ले लिया और इसको मैं थोड़ा बारीक बारीक काट लूँगी बारीक काट लेने से तोड़ लेने से ग्रेट कर लेने से गुड़ अच्छी तरह से जल्दी से पिघल जाता है रिमेनिंग को मैं अच्छी तरह से एकदम टाइट लिड वाले कंटेनर में रख दूँगी ये आइकिया से लिए थे मैंने फोरटा या पोटा कुछ तो इसका नाम है ये सेवन का सेट आता है अमेज़ोन से लिया था और ये जो आप सॉस पैन देख रहे हो ये भी इंडस वैली का और ये बहुत ही अमेजिंग है इसमें चाय पकाना दूध वूध उबालना कुछ भी ये सब क्योंकि इसमें ये स्पाउट है ना तो इसमें स्पिलिज नहीं होती तो इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये बहुत छोटा है लेकिन इसकी कैपेसिटी अच्छी है और कॉम्पैक्ट होने की वजह से स्टोर अच्छा हो जाता है एंड इसकी शाइन और शाइन तो अच्छी है ही ये हैवी भी बहुत है तो ये भी वन ऑफ द मस्ट बाय है अगर आप सॉस पैन देख रहे हो तो इसे कंसीडर कर सकते हो मुझे ये काफ़ी पसंद है और मैं है ना एक चटनी बनाऊंगी और चटनी मैं बनाना चाह रही हूँ आज कैप्सिकम की चटनी तो इसके लिए मैंने ये दो कैप्सिकम ले लिए हैं इसका सीड्स हटा दिया है और अंदर जो एक्स्ट्रा वाइट पार्ट होता है ना उसकी वेन्स वो भी हटा दिए हैं और बाकी इसको फिर मैं चॉप कर लूँगी ये चॉपिंग बोर्ड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नाइफ्स का भी मैंने यहाँ पर थोड़े प्याज थोड़ा लहसुन हरी मिर्ची और टमाटर चॉप करके तैयार कर लिए हैं और चटनी बनाऊँगी मैं मेरे नए इंडस वैली पैन में और ये इंडस वैली का टर्बो कुक रेंज है ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है ये इसमें है ना इंडस वैली के जो लिड्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं बट अभी पहली बार दे लॉन्च ग्लास लिड ऑल्सो इसमें एक ग्लास लिड आती है और बहुत ही सुंदर लगती है ये देखने में एंड इस ये मल्टीपर्पज़ है इसी डायमेंशन के और बर्तनों पर भी आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हो जो कढ़ाई है इसमें प्रीमियम थ्री लेयर बॉडी दी गई है इंडक्शन फ्रेंडली तो ये है ही काफ़ी थिक है एंड नेचुरली नॉन स्टिक है ये एंड जो इसका बेस है, वो इंडक्शन फ्रेंडली है ये चार तीन कैपेसिटी में आती है एंड इसमें आप ग्रेवीज बना सकते हो राइस की डिशेस बना सकते हो सूप वगैरह बना सकते हो सौते करने फ्राई करने और बॉईल करने के ये आ, काम आती है एंड इट्स अ वेरी नाइस पीस ऐड किया है मैंने थोड़ा ऑयल और ऑयल के अंदर ऐड किया था मैंने दाल उड़द दाल एंड चना दाल ये थोड़े से ब्राउन हो गए हैं इसको सौते ज़रूर कर लेना थोड़ा फिर उससे नटी टेस्ट आता है और उसके बाद फिर मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर कटे हुए प्याज और लहसुन लहसुन नहीं काटा वो ऐसे ही ऐड कर दिया ये कुक हो जाएगा चटनी बन रही है बाद में पीसना नहीं है ऐड किया है मैंने स्वाद के हिसाब से हरी मिर्ची थोड़ा सा कैप्सिकम एंड टमाटर जो मैंने काट करके रखे थे थोड़े नमक के साथ ये सबको मैं भून लूँगी और मैंने हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्ची नहीं है ऐड करी आपको लाल मिर्ची ऐड करनी है तो हरी मिर्ची आप कम ऐड कर सकते हो एक छोटे नींबू जितना टैमरिन बॉल मैंने इसमें इस तरह थोड़ा ढक करके रख दिया है जिससे स्टीम से ये सॉफ्ट हो जाए और इसे कुक कर लेंगे तब तक जब तक कि जो कैप्सिकम है वो टेंडर हो जाए मैं साथ में बनाना चाह रही हूँ वो मीठे अप्पे उसका कुछ अच्छा नाम होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा तो ये बेसिकली राइस फ्लॉर एंड बनाना के मिक्स से बनते हैं मेरे पास राइस फ्लावर भी नहीं था बनाना भी नहीं था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लिया कोई भी मेजरमेंट आप ले सकते हो हम जो गुलगुले बनाते हैं वो सिर्फ गेहूँ के आटे से बनाते हैं पर मैंने इसमें थोड़ी सी मैदा और थोड़ा सा सूजी और ऐड कर दिया है तो आप चाहें तो थोड़ा राइस फ्लार भी ऐड कर सकते हो अवेलेबल हो तो छान लिया है अच्छी तरह से ऐड कर रही हूँ मैं इसमें बिल्कुल चुटकी भर नमक नमक डालने से जो स्वीट इन्ग्रीडी रहते हैं ना उनका जो टेस्ट है वो एलिवेट हो जाता है ऐड किया मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर और इसके अंदर सौंफ बहुत अच्छी लगती है नॉर्थ इंडियन स्टाइल गुलगुलों में सौंफ डलती है तो मैंने सॉफ्ट डाला है आप इसे थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल डाल बना रहे हैं तो फिर राइस फ्लावर का इस्तेमाल करें बनाना मैश करके ऐड कर सकते हो एंड देन इसमें जो आ, अनियन सीड्स रहते हैं ना कलौजी वो डाली जाती है गुड़ जो मैंने पकाया था वो ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर तो इसको मैंने छान लिया है सारी इम्प्योरिटीज़ निकल गई हैं एंड देन इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको रेस्ट करना है हाफ़ एन आवर तो अभी मैं इसमें और पानी वानी नहीं मिला रही हूँ ज़रूरत लगेगी तो बाद में ही मिला देंगे फिलहाल इसे ढक्कन लगा के रख लग देंगे साइड में जो चटनी है उसका जो सामान है वो पक रहा है अभी तक और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं कैप्सिकम भी सॉफ़्ट हो गया तो गैस मैंने बंद कर दी है और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए अच्छी तरह ही ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर आ जाएगा तो इसको पीस लेंगे यहाँ मेरा भी पककर तैयार हो गया था तो मैंने इसको छान लिया है सेम कढ़ाई अभी खाली हो गई थी तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल और तैयारी शुरू कर रही हूँ मैं संभार बनाने की एंड संभार आज मैं थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ uh, संभार यूजुअली दाल से बनता है बट आज मैं एक नो दाल संभार बना रही हूँ ऐड किया है मैंने थोड़ा सा राई एंड जीरा थोड़े से करी पत्ता करी लीज मेरे अपने ही प्लांट के हैं बट अभी सर्दियाँ लग गई हैं ना तो थोड़े से अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है थोड़ा मैंने हींग ऐड किया इसके अंदर एंड ऐड करेंगे थोड़ा प्याज वैसे तो साउथ इंडियन रेसिपीज़ में छोटे वाले जो प्याज होते हैं शालट्स वो डलते हैं उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है बट मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते मुझे नहीं मिले थे नहीं थे मेरे पास तो जो यूजुअल प्याज होते हैं वही मैंने काट करके ऐड कर दिए एक हरी मिर्ची और एक टमाटर भी काट करके ऐड कर दिया था ये सब चीज़ों को थोड़ा सा भूनना है और इसके अंदर ऐड करना है थोड़े मसाले लाल मिर्ची का पाउडर हल्दी का पाउडर थोड़ा संभार मसाला एंड सॉल्ट और सारी चीज़ें डाल करके अच्छी तरह भून लेंगे क्योंकि संभार बना रहे हैं तो ये सभी चीज़ों की चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है उसमें दिखती सी सब्जियां अच्छी लगती हैं तो थोड़ा ये कुक हो जाए बट मैश ना हो ऐसे ही से भून लें पानी मिला लीजिए जितना भी आपको क्वांटिटी रखना है एंड देन इसको बॉईल आने दें मीन एक बड़ा चम्मच या दो रेगुलर चम्मच बेसन को थोड़े से पानी में घोल लेना है इसकी एक बढ़िया लम फ्री स्लरी बना करके पहले से तैयार करके रखें और यहाँ पर जो सांभर का जो तैयारी हो रही है इसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका था तो इसमें ऐड कर देंगे बेसन हाँ ये बेसन सांभर है इट्स ए नो दाल सांभर इसको बेसन सांभर बोलते हैं एंड ये एकदम क्विक है एंड ये बहुत टेस्टी लगता है आप ट्राई जरूर करना कभी नहीं ट्राई किया है तो इसको जब तक उबाल आ जाए तब तो तक निरंतर चलाते रहिए वरना बेसन नीचे स्टिक हो सकता है एंड देन इसको थोड़ी देर पकने दें थोड़ा धनिया मैंने साफ़ कर लिया था इसको रफली चॉप कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे ऐड करना है चटनी के अंदर और अभी बस धनिया के साथ ये सारा सामान जो है पीस लेना है और चटनी हो जाएगी रेडी यहाँ पर बहुत अच्छे से संभाल की कंसिस्टेंसी अचीव हो चुकी है जो मुझे चाहिए तो बस मैं इसे फिनिश ऑफ कर रही हूँ इसके अंदर ऐड किया मैंने थोड़ा सा गुड़ और नींबू का रस वैसे तो आप टैमरिन पल्प जो होता है उसका पानी भी ऐड कर सकते हो नहीं तो नींबू का रस भी इसमें बहुत अच्छा लगता है तो एक छोटे लेमन का जूस मैं इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ गैस मैंने कर दी है बंद बस ये हो गया है रेडी इसे अच्छा सा मिक्स देंगे और एक इन्ग्रीडियंट बाकी है इसमें वो है बहुत सारा हरा धनिया तो फ्रेश हरा धनिया काट करके इसमें ऐड करें और चाहे तो एक छोटा चम्मच घी ऊपर से मिला सकते हो उसका अच्छा अरोमा एंड टेस्ट आता है तो वो नहीं मैंने ऐड किया है बट मैंने ढेर सारा इसमें धनिया ऐड कर दिया है मिक्स कर दीजिए ये कभी आपने ट्राई नहीं किया ना नॉर्थ इंडिया में यूजली इस तरह का संभाव नहीं खाया जाता तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना आपको बहुत पसंद आएगा इडलियाँ जो है वो बैटर रेस्ट हो चुका है तो इसको स्टीम करने की तैयारी कर रही हूँ जिस नींबू का रस निचोड़ा था सांभार में उसके छिलके मैं यहाँ पर स्टीमर में ऐड कर दूँगी और यहाँ पर मिक्स देखें काफ़ी थिक हो गया है जो सूजी है उसने काफ़ी सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है तो पानी डाल करके इडली की जो कंसिस्टेंसी रहती है वो मैं अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ स्टीमर आपका बिल्कुल तैयार हो जाए तो लास्ट में इस बैटर में ऐड करेंगे इनो रेगुलर ऐड कर रही हूँ मैं इस समय वन टी स्पून ही आता है तो वन टीस्पून स्पून इनो मैंने वन कप सूजी के अंदर ऐड कर दिया है बस इसे मिक्स करें विगरसली मिक्स नहीं करना हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करें एंड तुरंत इसको पहले से सीजन की गई पहले से ग्रीस की गई इडली प्लेट्स के अंदर पोर कर दीजिए और ये जो मेरा स्टीमर है ये भी इंडस वैली का ही है आपको लिंक सारे के सारे मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप अगर मेरा डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करते हो जो मैं स्क्रीन पर भी आपके लिए रख दूँगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तो इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको आपके ऑर्डर पर एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा तो इंडस वैली की वेबसाइट पर जो भी ऑफर चल रहा हो उसके ओवर एंड अबव मेरा ये डिस्काउंट कोड काम करता है तो आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा स्टीमर तैयार हो चुका है तो इसके अंदर ये जो प्लेट्स हैं मैं ये अरेंज कर दूंगी और मैं एट मिनट के लिए स्टीम करती हूँ क्योंकि जो मेरा इडली की जो स्टीम मतलब जो प्लेट की कैविटीज़ है ना वो बहुत डीप नहीं है तो आठ मिनट में मेरी इडलियाँ तैयार हो जाती हैं आठ से बारह मिनट आपको कुक करना हो सकता है बना लेते हैं मेरे जो मीठे गुलगुले हैं वो और ये मैं बनाने वाली हूँ मेरे न्यू अपम पैन के अंदर और ये बहुत ही सुंदर कास्ट आयरन का प्रीमियम पनियारम आरम या अपे पैन आप इसे कह सकते हो और इसके अंदर अच्छी खासी आपको कैपेसिटी मिल जाएगी कास्ट आयरन से बना हुआ है ये प्री सीजन ये आता है टॉक्सिन फ्री है और इसके साथ एक स्पैचुला आपको फ्री मिलेगा और इसमें है ना बारह पिट्स मिलेंगे तो आ, बहुत अच्छी कैपेसिटी है मेरे हिसाब से ये एंड साथ में आपको है ना ये सिलिकॉन ग्रिप भी मिल जाएगी कि कुकिंग करते करते अगर आपका जो पैन है वो गर्म हो जाए तो इसकी हेल्प से आप इसको हैंडल कर सकते हो और इसमें आप अपनी आर्म बना सकते हैं अप पर बना सकते हैं शैलो फ्राइंग भी कर सकते हैं एंड मैं तो गुलगुले भी इसी में बनाती हूँ बहुत अच्छे क्यूट से राउंड राउंड से बन के आते हैं और उसमें आप है ना कोफते वोफते भी इसमें बना सकते हो बड़े अच्छे बनते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं घी मैं गुलगुले पनारम पैन में इसलिए बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि वो है ना फिर घी में बन जाते हैं आप कढ़ाई में अगर इनको फ्राई करते हैं तो फिर बहुत सारा घी चढ़ाना पड़ेगा जो बाद में वेस्ट हो जाता है जबकि पनियारम पैन में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप तो जितनी कैविटी है उसमें थोड़ा थोड़ा मिला दीजिए और पनियारम ईजीली बन जाएंगे कुछ भी घी वेस्ट नहीं होता ये जो बैटर है ये थोड़ा सा थिक हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा पानी मिला लिया एंड बिल्कुल लास्ट में चुटकी भर सोडा मिला के इसको मिक्स कर लिया और सोडा मिलाते ही इसे कुक करें फिर रेस्ट ना कराएं अब एक एक कैविटी में थोड़ा थोड़ा सा ये बैटर मिला दीजिए थोड़ा सोडा ऐड किया है ना तो ये फ्लफ अप होगा एंड मैं जैसे आपको बता रही थी घी मिला दिया है मैंने हर कैविटी के अंदर और अभी ये जो मेरे पनियाारम्स हैं अपे हैं मीठे वाले गुलगुले ये बहुत अच्छे घी के अंदर तैयार हो जाएंगे पूरे आठ मिनट के बाद मैंने जो मेरी इडलियाँ हैं इसका ढक्कन खोल दिया एंड मैं चेक करी हूँ टूथपिक से तो अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है और बस मैं इसको और कुक नहीं करूँगी ऊपर वाला जो बैच है वो अच्छा कुक हो चुका है तो नीचे वाला कुक हो ही जाएगा बस मैं इसे निकाल के रख लूँगी और यहाँ पर जो ये अपे हैं गुल गुल बेसिकली इनको मैं अभी फ़्लिप कर दूंगी जो सेंटर वाली साइड है वहाँ थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं तो जो ब्राउन कम है उनको मैं वापस सेंटर में यू नो मूव कर दूंगी सारे के सारे अच्छी तरह से ये रेड हो जाए एंड आपने देखा थोड़ा भी घी इसमें वेस्ट नहीं हुआ जितना चाहिए बस उतना ही घी आप इसमें डालें और वो सारा एक बार में कंज्यूम हो जाएगा चटनी जो पीस करके रेडी कर लिया है इसका तड़का तैयार कर रही हूँ मैं पैन में ऐड किया है मैंने ऑयल ऐड किया है जीरा सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता यानी अच्छी तरह से भुन जाएगा तो ये जो तड़का है ये पोर कर दीजिए चटनी के ऊपर एंड दिस चटनी टेस्ट सो गुड आप इसमें और भी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो कैप्सिकम कि के किसी को पता नहीं चलेगा एंड बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है यहाँ पर थोड़े से ठंडे हो गए थे ना ये प्लेट तो अभी इसके अंदर से मैं ये जो इडलियाँ हैं इनको स्कूप आउट कर लूँगी एंड बहुत ही अच्छी वाइट भी लाइट भी एंड सॉफ़्ट uh, भी ये इडलियाँ तैयार हुई हैं वैसे तो बेस्ट इडली जो फर्मेंटेड बैटर होता है उसी की बनती है बट आपको इंस्टेंटली बनाना है तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ आप ये ट्राई कर सकते हो यहाँ मेरे जो गुलगुले हैं वो हो गए हैं रेडी तो इनको भी मैं निकाल लूँगी इन सी जितना घी मैंने डाला था उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है तो अभी वैसे ये अच्छा सीज़न हो चुका है वैसे तो ये प्री सीजनड ही आता है बट थोड़ा घी डालकर पकाने से टेस्ट और अच्छा आता है इनमें आप चाहें तो कम घी इस्तेमाल करें और चाहें नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ना इस्तेमाल करें मैंने सेकंड बैच भी चढ़ा दिया है अप्पे का बनने के लिए गुलगुले सिक रहे हैं ढक्कन लगा के थोड़ा थोड़ा सेक रही हूँ मैं उसे और इडलियाँ भी मेरी रेडी हो चुकी हैं सांभार रेडी हो चुका है तड़का लगा दिया है चटनी को तो अभी हम बैठेंगे खाने के लिए हमारा बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन स्टाइल का पर थोड़ा सा मेरे ट्वीक के साथ बनाया गया मील हमारे घर में है ना सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को साउथ इंडियन खाना पसंद है ही इज़ फैन ऑफ साउथ इंडियन मील्स एंड फूड तो उनको है ना देख ही एकदम वो तो बहुत खुश हो गए कि आज तुमने इडलियाँ बनाई हैं एंड देन उनको पता नहीं था ये जो अपे है ना देखो उनका हाथ देखो ये जो अपे है ना ये यूजली सेवरी होते हैं तो उन्होंने वैसा ही समझा उनको आइडिया नहीं था मैंने गुड़ के बनाए हैं तो उन्होंने वो चटनी में डिप करके खाया नहीं होता कि किस में इतना ज़्यादा मीठा ऐड कर दिया है तूने तो देन आई टोल्ड हिम कि ये अपे ही मीठे हैं तो फिर बाद में उन्होंने खाया तो उन्होंने कहा हाँ ये तो गुलगुले जैसे लग रहा है तो इस प्लेट में ना चारों चार चीज़ें एकदम अमेजिंगली टेस्टी थी ये सांभर ये चटनी एकदम अलग इनका टेस्ट आपको मिलेगा आप ट्राई करके देखना आपको अच्छी लगेगी एंड लुक एट द इडलीज हाउ सॉफ्ट दे आर आई लव घर का बना हुआ साउथ इंडियन मील बाहर का मैं ज़रा कम ही पसंद करती हूँ पर जब मैं घर में बनाती हूँ ना तो मुझे वो बहुत पसंद आता है बहुत ही हमें बनाया सब कुछ स्पेशली ये और ये ये डिफरेंट बनाया ना मैंने यूजुअली दाल का सांभर होता है बट दिस इज नो दाल सांभर एंड इट इज वेरी टेस्टी और ये तो इन लोगों को पता ही नहीं चला कि इसमें कैप्सिकम कम है वो भी दो दो कैप्सिकम कम है इसमें नहीं पता चल रहा एंड ये इडली और ये तो ये गुलगुले जैसे बनाए हैं मैंने और इसमें आप बनाना ऐड कर सकते हो बेसिकली इसमें बनाना ही ऐड होता है तो आप वो जो काला जीरा होता है कलौजी वो और ऐड कर ले तो इट सो गुड और, और बेटा आराम से आराम से कुकिंग शुरू करने से पहले मैंने बर्तन लोड करे थे दोपहर तक के सारे बर्तन चाय तक के सारे बर्तन और यदि खाना बनाया तो वापस इकट्ठे हो गए तो हस्बैंड इज लाइक कि चल मैं करके देता हूँ तो हाँ, तो तो खुशी बोल रही है, है। बर्तन इज माय मोए मोरे नहीं <laughs> बर्तन इज मोए मोरे माय नाइट मेयर कहती चिड़मसने लगी है बर्तनों से <laughs> उसको खाली करना पड़ता है बहुत बर्तन इकट्ठे हो गए और चार रेसिपी भी थी फिर चार लोगों ने खाया भी तो होएगा ही really और शर्मा जी भी मान रहे हैं कि सानवी सबसे अच्छी तरह से डिश वॉशर अरेंज करती है ये बड़े बर्तन में बाद में लूंगी और ये देखो नींबू डालने की वजह से इसमें ज़रा भी वो सॉल्ट जैसा नहीं जमा तो है जो है ना आ, क्या कहते हैं हाँ ये जो बर्नर स्टैंड जैसा है ना इसके ऊपर चाय जल गई थी तो ये मैंने धुलने में डाल दिया था लुक एट दिस कितना साफ आ गया मैं कभी-कभी ये जो स्टैंड्स हैं और ये जो बर्नर्स हैं ना इनको डिशवॉशर में लगा देती हूँ तो ये एकदम साफ हो जाते हैं हम्म कुचू नमस्ते और हम लोग देख रहे हैं मूवी फैमिली स्विच बच्चों के साथ एक एक ये क्रिसमस मूवी है मिल रही मैं से। का नाश्ता वास्ता सब हो चुका है हस्बैंड की छुट्टी थी तो जिस दिन इनकी छुट्टी होती है वीकेंड शर्मा जी का ऑफ रहता है सैटरडे एंड संडे तो उस दिन हम है ना जो बड़े बड़े काम है वो निपटा लेते हैं तो एक काम ये भी लॉन्ग ड्यू था कि हम लोग को यहाँ पे बर्ड नेट लगवानी थी तो फिर कॉल किया बंदा फिर वो आ, उन्होंने कहा कि अपने बंदों को भेजेंगे वो लोग तो थोड़ी देर में ये लोग यहाँ आ गए थे इन्होंने मेजरमेंट लिया अपना हमको कॉस्ट बताई उन्होंने कि इतना लगेगा एंड हमको लगा कि चलो ठीक है यार करवाना तो पड़ेगा ही तो फिर यहाँ पर अभी हम लोग ये बर्ड नेट लगवा रहे हैं झालड़े मैंने लगा के छोड़ी हुई थी प्लान था मेरा कि क्रिसमस के बाद न्यू ईयर के बाद बेसिकली इसको निकालेंगे बट ये भैया लोग को यहाँ चढ़ना था तो फिर ये उतारना पड़ा तो दोनों झालड़ें जो हैं हस्बैंड ने उतार दी हैं एंड ये भैया लोग जो है जितनी भी प्रपरेशन करनी है नेट लगाने की वो कर रहे हैं सामान वो अपने साथ ही सब लेकर आए थे एंड मेरे हस्बैंड को इतना डर लग रहा था वो येलो शर्ट में जो बंदा है वो बाहर जाकर बैठ गया ना तो सौरभ वज़ लाइक कि मत जाओ बाहर अंदर से कर लो भैया अगर पॉसिबल हो तो तुम कपड़ा बांध लो मतलब थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाए बट वॉज़ लाइक कि रोज़ का काम है तो इन लोग को डर नहीं लगता पर हम लोग थोड़ा सा इस तरह से एक्ट करते हैं तो उसको देख डर लग जाता है हमें तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सफाई से ये जो जाली है लगा करके तैयार कर दी है और यहाँ पर भी लगवा दी है और जो अंदर की तरफ एक छोटी बैल्कनी है उसमें भी जाली लग गई है इससे पहले वाला जो मेरा घर था ना तो वहाँ पे मैंने ये जाली अमेजोन से मंगा ली थी और शर्मा जी और मैंने मिलकर लगा ली थी तो पैसे तो बच गए थे बट ये वाली फिनिश नहीं आई थी एंड ये जिस तरह काम कर रहे हैं वहाँ बैठ बैठ कर वैसे तो मैं और हस्बैंड नहीं लगा पाते तो इट वॉज अ गुड डिसीज़न की प्रोफेशनल की हेल्प ले ली गई और यहाँ पर है ना इस प्ला प्लांट तो थोड़ा होपलेस लग रहा है मुझे नहीं लगता ये हरा होगा और नीचे देखो मैंने धनिया लगाया था ये हो गया है एंड ये जाली हम लोगों ने फाइनली लगवा लिया है तो अब इवेंचुअली इसके ऊपर ये जो लगाया था ना ये मैंने एक एक दो दो टेप से ही लगाया था टेम्प्रेरी हिसाब से ये निकल भी रहा है सी तो ये सारा ही हम लोग निकाल देंगे यानी यहाँ से अभी क्लीन करना बाकी है बट ये है ना पहले सोचा था इसके ऊपर ज्यादातर लोग इसके ऊपर लगवा लेते हैं बट देन वी डिसाइडेड कि हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लगवा लेंगे तो थोड़ा स्पेशियस लग रहा है अब उतना बोरिंग लग रहा दबा दबा सा है ना दबा अब उतना दबा दबा सा नहीं लग रहा हाँ अच्छा लग रहा है अब एक एक करके ये उतार लेंगे अब बर्ड्स नहीं आएंगे तो इसकी जरूरत भी नहीं है और ये वाली बालकनी में भी करवा लिया गैर आई यू ना ये निकल निकल के गिर रहे हैं तो मैंने वापस नहीं चिपकाया बिकॉज मैंने ये करवाने का सोच लिया था अरे ये तो यहीं पर है अच्छा स्कोप ही नहीं था इसलिए